हेलो एवरीवन, डिशेस हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ द माउथ वाटरिंग डिश मशरूम बटर मसाला, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बहुत ही कम मसाले में हम इसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करें। तो एक पैकेट मैंने मशरूम लिए हैं, इस तरह से उनको काट लिया है। एक शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है। एक कप टोमेटो पल्प लिया है, थोड़े से धनिया की पत्तियां ली हैं, आधा कप मैंने क्रीम लिया है यानी मलाई, और नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, एक चम्मच ही जीरा पाउडर लिया है, और एक चम्मच ही गरम मसाला पाउडर लेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने छील कर इस तरह से पीस कर लिए हैं, उसके 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, और 2 ही हरी मिर्ची ली हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो इनको हम ब्लेंड कर लेंगे, इन चारों को हम ब्लेंड करेंगे। मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो एक पैन में हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसको गर्म करेंगे। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं और मशरूम डाल देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह से चलाते रहें। तो 2 मिनट हो चुका है, तो ये पक गया है। अभी हम सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म करेंगे, और इसमें हम प्याज का मसाला डाल देंगे जिसको हमने अभी ब्लेंड किया था। तो इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, 1 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको भून लेंगे। ये सारी रेसिपी मीडियम आंच पर ही बनानी है, तो इसको मीडियम आंच पर ही पकाइए। तो इसको मैंने भून लिया। तो अभी हम इसमें टमाटो पल्प डाल देते हैं। ये लगभग मैंने 3 टमाटर का पल्प बनाया है, इसको कद्दूकस कर लिया था, और इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते रहिए। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ मैं, इसको अच्छा कलर देने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो डालिए। तो इसको चलाते रहिए, लगातार इसको भूनते रहिए जब तक कि इसका ऑयल मसाले से अलग ना हो जाए। तो इसको चलाते रहिए। तो देखिए तेल अलग हो चुका है, मसाला भून के तैयार है। अभी हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। मैंने ये क्रीम घर पे निकाली हुई फ्रेश मलाई यूज की है, तो इसको भी 1 मिनट के लिए ही ऐसे चलाते रहिए मीडियम आंच पर। तो इसको 1 मिनट के लिए ऐसे चला लिया है। तो अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। लगभग मैंने 1 कप पानी इसमें यूज किया है। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कम यूज कीजिए। तो लगभग 1 कप पानी मैंने यूज किया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अभी हम इसमें धनिया की पत्तियां डाल देते हैं, इस तरह से बारीक बारीक काटते हुए इसमें मैं धनिया की पत्तियां डाल रही हूं। तो इनको डालने के बाद इनको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इनको मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो अभी हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम डाल देते हैं जिनको हमने थोड़ी देर पहले पकाया था, और इसको मिक्स कर दिया है। और भी हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो 2 मिनट हो चुका है, सब्जी एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसमें से, और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब गैस बंद कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम एक सर्विंग प्लेट में इसको निकालेंगे। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए चपाती के साथ, परांठे के साथ, और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपको। थैंक यू सो बाय।